स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है ना? वेरी गुड। तो चलिए, आज मैं आपको एक हिंदी की कहानी सुनाती हूँ और हमारी कहानी का नाम है इच्छापूर्ति पेड़। बच्चों, 100 साल पहले की बात है, एक इच्छापूर्ति पेड़ था। जो भी पेड़ को पानी डालता, वह पेड़ उसकी हर एक इच्छा पूरी कर देता था। एक दिन एक आदमी उस पेड़ के पास आया और बोला, हे इच्छापूर्ति पेड़, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। ऐसा बोलते ही उस आदमी के सामने धन की थैली आ गई। वो आदमी पेड़ को धन्यवाद देके चला गया। इसी तरह कई लोग उस पेड़ को पानी डाल के अपनी इच्छा मांगने लगे और पेड़ सबकी इच्छा पूरी करता रहा। उससे गरीब लोगों को बहुत फायदा होता था बच्चों। लेकिन कुछ सालों के बाद इच्छापूर्ति पेड़ बूढ़ा होने लगा। उसकी शक्तियाँ भी खत्म हो गई। अब वो सबकी इच्छा पूरी करने के लायक भी नहीं रहा। फिर एक दिन एक औरत उस पेड़ के पास आई और बोली, हे इच्छापूर्ति पेड़, मुझे खाने के लिए कुछ अनाज चाहिए। लेकिन उस औरत की भी पूरी इच्छा इच्छापूर्ति पेड़ नहीं कर सका। वह औरत नाराज होके वहाँ से चली गई। लेकिन बच्चों, वो जाने के बाद इच्छापूर्ति पेड़ को बहुत बुरा लगा और वो मन ही मन कहने लगा, काश ऐसा हो जाए और मेरी सारी खोई हुई शक्तियाँ वापस मिल जाए और मैं लोगों की हर एक इच्छा पूरी कर सकूँ। मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि लोग मेरे पास आकर खाली हाथ जाए। हे भगवान, मेरी सारी शक्तियाँ वापस लौटा दो, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। ऐसे बोलते ही इच्छापूर्ति पेड़ भावुक हो गया और रोने लगा। तभी बच्चों, क्या चमत्कार हो गया, उनके सामने भगवान प्रकट हुए और पेड़ को बोले, क्या हुआ पेड़, क्यों रो रहे हो? पेड़ ने बताया, मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई, मैं किसी की भी मदद नहीं कर सकता। भगवान बोले, यहाँ से एक दूरी पर एक जादुई कुआ है, अगर उसमें से पानी लाकर तुम्हें डाले तो तुम्हारी सारी शक्तियाँ वापस आ सकती है। लेकिन वो पानी कौन लाएगा, यह तुम्हें सोचना है। ऐसा बोलते ही भगवान वहाँ से गायब हो गए और पेड़ नाराज हो गया, क्योंकि पेड़ तो चलकर नहीं जा सकता। उसी समय पेड़ से एक आदमी वहाँ से गुजर रहा था और वो पेड़ के पास आया और इच्छापूर्ति पेड़ को पूछने लगा, क्या हुआ इच्छापूर्ति पेड़, सब कुछ? फिर पेड़ ने सब कुछ बताया। मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ऐसे उस आदमी ने उन्हें कहा और वो आदमी जंगल की तरफ जाने लगा। जंगल में एक जादुई कुआ था, उसमें जादुई कुएं में वहाँ से पानी लाकर उस आदमी ने पेड़ के लिए पानी लाया और पेड़ में डाला तो तुरंत पेड़ की सारी जो भी पहले की शक्तियाँ थी वो वापस आ गई। बच्चों देखो, जैसे ही पानी डाला, क्या चमत्कार हो गया, पेड़ की सारी शक्तियाँ वापस आ गई। पेड़ तो उस आदमी पर इतना खुश हो गया कि उस पेड़ ने आदमी को एक सोने के सिक्के की भरी हुई पोटली दी और वो पोटली लेके वो आदमी वहाँ से धन्यवाद कहकर चला गया। दूसरे दिन वापस जो पहले एक औरत आई थी, वापस पेड़ के पास वो आई और उसने कहा कि मैं बहुत भूखी हूँ, आपने पहचाना मुझे? तो इच्छापूर्ति पेड़ ने कहा कि हाँ, और उसने उस औरत को खाना दिया और वो औरत ने पेट भरकर खाना खा लिया। बच्चों देखो, जैसे ही खाना खाया, उस औरत ने भी पेड़ का शुक्रिया अदा कर वहाँ से वो चलने लगी। अब पेड़ इतना खुश था क्योंकि उसने सबकी मदद की और सबको काम आने लगा। तो बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी? देखो, भले ही ये कहानी काल्पनिक हो, लेकिन इस काल्पनिक कहानी से भी हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा अपने अच्छे कर्मों से हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। धन्यवाद।